गाइस आप लोग कैसे हैं, भोले नाथ की तारीफ कर रहे हैं। आप लोग जो अच्छे होंगे दोस्तों, सुबह के 6 बज रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीदी बहनी माई भौजी नंद सबका हाथ जुड़ रहे हैं, पाए पड़ रहे हैं दोस्तों। ऐसा है कि आप लोग हमारे राधा ऑफिशियल 44-56 में जाके हमारा वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। क्या बताएँ, वीडियो मोबाइल ख़राब हो चुका है इसीलिए वीडियो बन नहीं रहा है, बड़ा भी लॉन्ग वीडियो ऐसा है दोस्तों। क्या बताएँ, तबीयत हमारा पहले भी ख़राब था, महीना दिन से थोड़ा थोड़ा दर्द हमारे पेट में चल रहा था। दवा कराए थे, 3 बोतल चढ़वाए थे, फिर भी से दोस्तों नहीं आराम है। ऐसा है कि आप लोग हमारे वीडियो के ज़रूर जाके देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर कल से तबीयत मेरा ख़राब है, भूख भी नहीं लगती है और दोस्तों बुखार भी आ जाता है, पेट में भी दर्द हमारा जा नहीं रहा है। तो दोस्तों ऐसा है कि आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऐसा लोग वीडियो डालते हैं तो हम सादा सिंपल में डाल देते हैं, सीखे बहुत नहीं आया, शिवानी जी चली गई या पानी घर, होती तो मेरे को सिखाती बताती, टाइटल वो भी लिख लेती हैं डाल लेती हैं सब कुछ, हमको नहीं इतना अकेले। तो देखिए दोस्तों, हम डालते थे सादा सिंपल में लॉन्ग वीडियो डाल देते हैं, कभी कभी बाकी शॉर्ट वीडियो डालते हैं जो हमको बता गई हैं, वो मैं टाइटल लिख के डालता हूँ, 2 साल वीडियो बनाते हो गया। तो दोस्तों बताइए, पता नहीं अब उसमें क्या क्या भेज रहा है, खाता जोड़ने का और कुल बता रहा है। तो एट्टू वाला बाबा से हम मिलना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा एट्टू वाला बाबा के पता मुकाम और सब कुछ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ पर मिलेंगे, हम लोग जाएँगे मिलने, थोड़ा चैनल दिखाना है। और गोरखपुरिया भौजी के लगे भी जाना था, रेनू मीडिया के लगे भी जाना था, अकेले गुने हम जा नहीं पाते हैं। तो अभी तो 3 महीने के बाद मानते हैं शिवानी जी आएंगी, उनको थोड़ा आप लोग का प्यारा आशीर्वाद दुलार लगे, डिलीवरी थी इसीलिए मैं नहीं बुलाए थे। तो दोस्तों ऐसा है, उनका भी तबीयत ख़राब चल रहा है, आप लोग यही आशीर्वाद दीजिए कि खूब अच्छे से बढ़िया से खुशी से उनका बच्चा हो जाए। तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद आप लोग का ज़रूर दिलवाएंगे, ज़रूर आप लोग का इन्वाइट करेंगे दोस्तों। ऐसा है कि खुशी की बात है, आप लोग प्यार ज़रूर दीजिएगा। और रात में देखिए, थोड़ा हाथ में दर्द लग रहा है, चोट लग गया रात में, मेरे लड़के लोग अपने में लड़ रहे थे, छुड़ाने गए तो चोट लग गया दोनों, मैं सो गए थे, 7 बज रहा था, दोनों लड़ रहे थे छोटा और बड़ा। तो दोस्तों देखिए, तबीयत के ख़राब के होने से मैं वीडियो नहीं डाल पाते हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में हम क्या करें। देखिए दोस्तों, हमारे घर द्वार है, तो मेरा लड़का देखिए वहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, क्या करें दोस्तों। देखिए बहुत परेशान हैं, अपने तबीयत की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए अभी सारा काम पड़ा है, चूल्हा वूल्हा लीपने पोतने का सब पड़ा है दोस्तों। दोस्तों देखिए क्या करें, बहुत दिक्कत रहते हैं, मेरा शरीर देखिए कैसा हो गया है, पेट में यहाँ पे दर्द होता है दोस्तों। और इधर भी देखिए, वही एक गाय है, इधर भी ये लड़का मेरा माझिला है, बड़ा वाला माझिला वाला सोया है, बड़ा वाला अंदर सोया है। तो दोस्तों इधर पेपरमेंट भी लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना हमारे, आप लोग बताना कमेंट में दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं, तबीयत मेरा सही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो की हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए रफी प्रमीन के खेती लगी है दोस्तों, क्या करें, बोलने का मन नहीं करता तेज, लेकिन फिर भी से मैं बोल रहा हूँ। देखिए यही खेती है हमारे घर के भले में, पीपरा मिंट लगी है और इधर सब लोग का खेत पात है इधर। तो दोस्तों क्या कहें, बहुत टेंशन में पड़े हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। तो आप लोग से ही हाथ जोड़ते हैं, भीख मांग रहे हैं दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो के राधा पे सेल 44-56 में आप लोग जाके वीडियो हमारी देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा।
और ये ट्यूब वाला बाबा के हाथ जोड़ रहे हैं। बाबा जी अपना पता जरूर बताइएगा कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राधा ऑफिशियल 44/56 में हमारा वीडियो जाकर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और यही मेरा चैनल के नाम है। तो दोस्तों शिवानी राजपूत हमारे लड़की का चैनल का है, तो आप ज़रूर दोस्तों बताइएगा। इतना मन कौन इतना हम होशियार नहीं हैं, इतना कौन नहीं, अगर हम भी सोच रहे थे दुनिया बना रही है तो हम भी बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि थोड़ा आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, राधा पेशल 44/56, और देख कर बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि बाबा जी कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर। और गोरखप्रिया भौजी भी कहाँ पर रहती है वो भी बिटिया हमको बताना। तुम भी उससे मिलना चाहते हैं और रेनू बिटिया से भी मिलना चाहते हैं तो तुम लोग ज़रूर हमसे बताना बेटा। नई शिवानी जी तो मैं अपना एक दो लोग आ सकते हैं मेरे के चैनल दिखाना है। बाबा जी की वीडियो तो हम देखते हैं, फिर उनका पता कल पता चला था कि राधा नगर एक गांव पड़ता है फतेहपुर, यही पता हम सुने थे स्कूल में, देख रहे थे बहुत वीडियो वीडियो बनाए हैं। पता नहीं फतेहपुर तो मानते हैं, एक हमारे गांव में है देवरिया ज़िला में, एक यहाँ है सीतापुर में। तो दोस्तों पता नहीं कहाँ पे देवरिया ज़िला वाला है कि हर गांव में गांव होता है तो कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे नहीं, तो इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि देवरिया ज़िला वाला है कि सीतापुर वाला है कि कहीं और है। बाबा जी बताइएगा ज़रूर, आप कोशिश करिएगा बाबा जी, बहुत आपके आभारी होंगे कि हम लोग मिलना चाहते हैं आपसे। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ पर रहते हैं। तो बाबा जी ऐसा है, वीडियो के लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखिएगा। तो देखिए इधर भी टाटी लगी है, इधर भी गांव है, और देखिए इधर दोस्तों वीडियो के लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए क्या करें दोस्तों, बहुत परेशान हैं, तबीयत नहीं ठीक है। देखिए दोस्तों दोस्तों तबीयत नहीं हमारा अच्छा है तो कुछ बोलने का मन नहीं करता है, बहुत परेशान है। ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी धोना है, ये टूटी फूटी हम नल का थे गाड़े थे, एक बाल्टी है अभी एसी पे बाल्टी रखा गया है, अब यहीं पे बर्तन वर्तन धोते हैं दोस्तों। अभी इधर क्या करें, अभी 10 साल हुआ हम के यहाँ रहते रहते, यहाँ थोड़ा नहाते धोते हैं यहीं पे। लाइट रूम बाथरूम भी बनवाएंगे, और ये दीवार इधर से चलाए हैं दोस्तों, इधर इधर नलका के पानी भी जाता है, देखिए यहीं पे गड्ढा बनाए थे। और इधर भी देखिए दोस्तों ये गुमती रखे हैं, यहाँ पे मदाड़ के पेड़ थे, देवता बनाए थे घर के स्थान, और ये है तो शंकर जी के मंदिर बनाए थे छोटा था, अभी उस पर पाती रखी गई है दोस्तों। अभी उनका ऊपर के ब्रिज नहीं बना है, बनवाना है, तो अभी कुछ कमी रह गया शंकर जी के। तो ऐसा है दोस्तों, आप लोग का प्यार आशीर्वाद होगा जो हम भी अपना कुछ कमाए खाएंगे तो उसी से आप लोग के भी सेवा करेंगे और आप लोग के भी बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे दोस्तों। ऐसा है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, आप लोग चाहेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। जो नहीं पढ़ा लिखा है उनका भी कैसे कैसे क्या होता है दोस्तों, वो भी लोग तो कर लेते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना। बोलने का मन नहीं करता है, देखिए हमारे चेहरा से मालूम होता है कि कैसे कैसे क्या है हमारा चेहरा। तबीयत हमारा एक महीने से ख़राब चल रहा है,
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लहसुन बोए थे, बैंगन लगाए हैं, इसी में प्याज बोए थे। और देखिए दोनों लड़ रहे हैं हमारे घर पे। तीन ये बच गए हैं, 6-7 थे, तीन बचे हैं और 4। दो इसका मौसी मम्मी है और इसका भाई है। 6-7 कुत्ते हैं और बत्तख भी हैं दोस्तों। देखिए ये तीनों, एक मुर्गा, एक छोटे छोटे बच्चा वहाँ पर देखिए तोड़ रहे हैं, देखिए दोस्तों। और बत्तख भी उसमें है और एक देखिए वो कुत्ता आ रहा है, पेपरमिंट में है उधर, वो मेरा भी शेरू है दोस्तों। ऐसा है मेरा माझी लड़का है दोस्तों, थक जाते हैं क्या करें, बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में, आगे वीडियो एब्सेंट कर रहे हैं, आगे वीडियो फिर बताएंगे दोस्तों और कुछ भी। और दोस्तों आप लोग प्यारा से बात ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अभी इतना बहुत कर दिए, बताएँगे आप लोग से ज़रूर और कुछ।